नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुहीन, आप देख रहे हैं टेकवल गेमिंग। आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं पार्ट 3, जो भाग 3 है हमारा आज का, दिल्ली बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस। और आज हम असली सिमुलेशन देखेंगे। मैं बोला था पार्ट थ्री बहुत अच्छा होगा और आज हम फालना तक जाएंगे, बट कोई डिले नहीं करेंगे, इसलिए फालना तक जितना पाते और आपका ओपिनियन शेयर करना चाहिए उतना तक दिखाएंगे। और फालना आते आते और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो आपका नेक्स्ट टाइम वीडियोस बहुत जल्दी आएगा। और नोटिफिकेशन को भी दबाइए। और आज हम अरावली रेंज पे हैं और अरावली रेंज पे गरीब रथ एक्सप्रेस जा रहे हैं और सिग्नल तो ठीक ठाक ही है आज का, मोडल लेस हम लोग 100 में चला रहे हैं। अभी सामने का स्टेशन सेंद्रा है, फिर सेंद्रा से फालना तक टाइम तो लगेगा। आज का थोड़ा वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन भी होगा। सो राइट क्रॉसिंग है अभी। आज थोड़ा लैगी लग रहा है, बट ये छोड़ दीजिए, FPS ड्रॉप होगा क्योंकि इधर बस स्मोक ही है, क्योंकि मेरा PC कॉन्फ़िगरेशन उतना हाई नहीं है। बट मैं ट्राई करूँगा PC को अपग्रेड करने के लिए। और सेंद्रा चला गया जहाँ पे हमारा जिला असली क्रॉसिंग था। अभी अजमेर से तो हम लोग लास्ट दो पार्ट में दिखा चुके हैं और वेदर भी क्लियर इतना नहीं है, लाउस है। सो लास्ट का जो वीडियो था मैंने एक बनाया था, जो PVCS एंड्रॉइड में चलता है या नहीं या PC में चलता है, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने लास्ट पब्लिश किया है, वो वीडियो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने एम किया था 50 लाइक्स, बट अभी तक बहुत लाइक्स मिल चुका है, अराउंड क्लोज अबाउट 50 लाइक्स। सो थैंक यू, और मैं ऐसी तरह की वीडियो बनाते रहूँगा। और हम लोग अभी ग्रीन कोचेस जो गरीब रथ एक्सप्रेस है, अब गरीब रथ का एक्सप्रेस का जो फेयर है नंबर 3 प्राइस से थोड़ा कम होता है, और ये 3 टायर इकोनॉमी होता है हमेशा, बट मैं बहुत जगह देखो ओनली 3 टायर होते हैं। 3 टायर इकोनॉमी में मिडिल बर्ड जो है आपका थोड़ा और एक बर्ड मिलेगा। जैसे आप जैसे देख सकते हो, अच्छा कर्व लेता है, कभी दाई कभी बाई कुछ नहीं है, ओनली सीन्स है और कुछ नहीं। आपको थोड़ा सेमी डेजर्ट एरिया लगेगा क्योंकि ये अरावली रेंज है और इधर पे बारिश बहुत कम होता है और वगैरह वगैरह नहीं तो है। और फालना तो बहुत जल्द आ जाएगा, बट टाइम तो लगेगा। हम लोग आज राजस्थान का जो हरिपुर है इधर तक आ चुके हैं और देखते हैं कितना जल्दी लेता है, क्योंकि अभी करेंट डिले अभी 2 मिनट्स का है, मैंने लेट कर दिया अजमेर से थोड़ा टाइम निकलने से। और वाओ, रेल फैनिंग बहुत अच्छा लग रहा है।
हाई स्पीड दिल्ली बांद्रा टर्मिनस अच्छे से क्रॉस कर चुका है और देखते हैं नेक्स्ट सीन। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं बात नहीं किया कुछ इसलिए मैं दिखाऊंगा, इसलिए उस पर बात होगा तो अच्छा नहीं लगेगा आज का कमेंट्री पे, क्योंकि आपका जो सीन है और डिटेल्स है सीनरी का आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। और एक क्रॉसिंग है, हाँ अरावली रेंज तो ख़त्म हो चुका है, अभी तक तो शुरू हुआ है अरावली रेंज। आबू रोड में थोड़ा सीन्स देखने को मिलेगा बट बेसिकली अजमेर में देखने को मिलेगा अरावली रेंज, जो हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं। बहुत दूर से हम लोग आया था और फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटर्स में था ये ट्रैफिक्स प्रॉब्लम था, और ट्रैफिक्स प्रॉब्लम जब था टाइल्स हवा हो चुका था, कुछ नहीं था। और एक क्रॉसिंग के साथ दोस्तों तो अभी एक फ्राइड क्रॉसिंग हो चुका है, आई थिंक ये गुड़िया होगा, हाँ गुड़िया राजस्थान है। और देखते हैं असली गति से, हम लोग अभी 107 में लग चुका है गति और हाई स्पीड सिंक हुआ है। अभी हम लोग सिंक हुए थे कोल्ड फ्राइड के साथ जो बहुत दूर से आया था। और ये तुबलकाबाद का जो शेड का जो है 16396 का रोड नंबर और WDM 3A है, आप लोग गेस कीजिए इतना हॉर्स पावर कितना है, मैं आपका कमेंट ज़रूर करूँगा। और दोस्तों आपका जो ओपिनियंस है और शेयर कीजिए हम लोग के साथ। और हम लोग एम करते हैं हमारा चैनल 15,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 21,000 सब्सक्राइबर्स जो आपके लिए पूरा होता है। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स एम किए थे इसलिए आज हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। दोस्तों फिर अरावली रेंज चालू हो चुका है और जनरेटर का आवाज़ मुझे चेंज करना चाहिए, और एनिमेटेड जो फैंस है आप जैसे देख सकते हो अभी थोड़ा मक्खन जैसा आ रहा है गेम थोड़ा। सो मुझे अभी फ्रेम रेट अराउंड 30 जैसा मिल रहा है और फाला तक हो जाएगा बहुत जल्दी, और पार्ट 4 आ सकता है दोस्तों बहुत जल्द। आप मैं इनका जो इस वीडियो को 50 लाइक्स मिल जाएगा 2-3 में मैं फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो पार्ट 4 होगा। और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सेमी डेजर्ट से हम लोग थोड़ा नॉर्मल प्लेन में आ चुके हैं, तो थोड़ा पेट दिख सकते हो आप, और दूर में थोड़ा शहर जैसा आ रहा है अभी, हाँ सिटीज है दूर पे। और फ्राइट क्रॉसिंग आई थिंक है, नहीं है सुचिंदा वल्ल अभी आ चुका है। दोस्तों अभी चंदावल क्रॉस कर चुका है सक्सेसफुली और हम लोग अभी ट्राई करेंगे इस ट्रेन को डीलर से नॉर्मल टाइम पे या बिफोर टाइम में ले जाएंगे। आप क्या गेस कर सकते हो ये जल्दी जाएगा, ये स्लो जाएगा, ये डिले में जाएगा, इसलिए देखते रहिए फुल वीडियो, क्योंकि अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ। बोर भी मत होना क्योंकि मैं बहुत सीन्स को कवर कर चुका हूँ। और इधर पे NH आई थिंक नेशनल हाईवे से ये लॉरीज और बसेस आ चुका है, आप गेस कीजिए कौन सा हाईवे हो सकता है फालना के आगे। वाओ ये थोड़ा टेढ़ा था लेवल क्रॉसिंग। अभी दोस्तों रेस करने का टाइम बच गया है,
मैं जब छोटा था मैं देखता था जब नेशनल हाईवे से जो कार्स जाता था तो मैं ट्रेन भी वही स्पीड से जाता था, फिर कार जो ड्राइवर था उस स्पीड से चलाता था, मैं देखते देखते बहुत मज़ा भी आता था। क्योंकि ट्रेन जब जाता है नेशनल हाईवे जब साइड में होता है तब कार्स उससे आगे जाने के लिए तैयार होता है, बट कभी सक्सेसफुली नहीं आगे जा सकते क्योंकि ये ट्रेन है और ट्रेन के आगे कोई नहीं जा सकता। आप जैसे देख सकते हो हम लोग बहुत बस को ओवरटेक करेंगे, अभी दोस्तों स्लो हो चुका है क्योंकि अभी स्टेशन सामने है बहुत। मैंने क्यों नहीं दिखाया फ्री लोकेशन कैमरा, क्योंकि रियलिटी नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग ट्रेन के बीच में खड़े हुए हैं और रोड भी दिखाएंगे जो ट्रेन क्रॉस होता है। जैसे ये आप जैसे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ट्रेन अभी स्लो हो चुका है क्योंकि मैंने अभी सिग्नल देख लिया है। अभी आपको क्या लगता है, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो लास्ट 10 मिनट्स के बाद हम लोग अभी स्लो हो चुके हैं क्योंकि लेट को कवर करने के लिए हम लोग बहुत ज़ोर से चलाएंगे और बट स्टेडी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो होना जो होता है डीरेल वही होगा। भाई इतना स्लो हो गया तो डिले तो थोड़ा हो सकता है और लेवल क्रॉसिंग है, अभी बहुत कोचेस है जो पुल करने के लिए और हम लोग अभी सिग्नल के आगे थोड़ा स्लो हो चुके हैं और नहीं जानता क्यों सिग्नल इतना आ चुका है, रेस सिग्नल। प्रोबेबली हम लोग लेट है इसलिए तो ट्रेन क्रॉस हो सकता है अभी तक। वाओ, अब एक्सेलरेशन ले चुका हूँ मैं, सो देखते हैं कौन जीतता है आज का रेस। वाओ, ये तो अरावली जैसा नाम है इस बस का, आई थिंक अहमदाबाद जाता है अजमेर से, और लॉरीज भी है, ट्रक्स है। हाँ, मैं ठीक देखा है क्योंकि क्रॉसिंग है दोस्तों, मैंने गिज भी कर चुका हूँ क्योंकि इतना स्लो क्यों होगा सिग्नल के आगे और इतना जल्दी एक्सेलरेशन ले रहा है। आवाज़ जैसे देख सुन सकते हो, बांद्रा टर्मिनस दिल्ली रोहिला सराय का गरीब रथ अभी इंटर हो रहा है और EMD का आवाज़ आ रहा है, थिंक रूट का जो एडिटिंग है साउंड का उधर से आ रहा है। और मैं दोस्तों फिर दिखाऊंगा क्योंकि मुझे इस सीन को स्किप करना होगा। और तो चलिए अभी तो हमारा जो है सोजत रूट में हमारा डिले करवा दिया हमारा आज, क्योंकि कौन जाने जानता है आज कितना लेट होगा, सिग्नल में ढक गया हमको, रेस सिग्नल है अभी। तो दोस्तों ये था हमारा लेट और देख चुके हैं बहुत कुछ और भैया अभी सोजत रूट में तो हमारा करवा दिया लेट, बस देखते हैं कितना जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे तो उतना लाभ हमारा तो होगा क्योंकि इंडियन रेलवे है तो टाइम में तो जाना ही होगा हमारा। अभी लाइन क्रॉस हो रहा है बहुत जल्दी।
दोस्तों अभी मरवा जंक्शन से अच्छा क्रॉसिंग हो चुका है और क्रॉसिंग से याद आया हम लोग लास्ट कुछ सेकेंड के आगे और एक क्रॉसिंग खाया था जो हमारा लेट हो चुका है, वो जिंग हुआ था। अभी जिंग नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सिंगल लाइन से चल रहे थे, जिंग होगा तो बात खटर खटर जैसा आवाज़ है। ब्रिज से क्रॉस हो चुका है अभी और नियर स्टेशन तो दिखाएंगे बाद में। फिर से और एक ब्रिज और फालना बहुत जल्द आ जाएगा, हम लोग कभी स्किप नहीं करेंगे बहुत स्टेशन और दिखाते जाएंगे। और एक फ्राइड आ चुका है, हमारा सिंक होगा फिर से। क्रॉसिंग अभी हो चुका है और बहुत मजा आ रहा है आज का गेम खेलते खेलते। वाओ बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत सा सीन। और फिर से हमारा राजा आज क्रॉस लेके जा रहे हैं और क्रॉस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बसेस को ही ओवरटेक कर रहे हैं और सभी आ रहे हैं आज वीडियो में। वाओ दोस्तों हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे में जाएंगे आप लोग के बाद। अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अभी तक है हम लोग। और आपका क्या बातें हैं कुछ भी कमेंट कर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और ज़रूर लाइक कीजिए। और एक ब्रिजेस है दोस्तों, फालना आ चुका है और पार्ट 4 आएगा बहुत जल्द, जो मैं प्रोबेबली आबू रोड तक दिखा सकता हूँ, नहीं तो फिर उसको भी हाफ करेंगे उस पार्ट को भी, जो पार्ट 8 हो जाएगा। छोड़ दीजिए आज का वीडियो, इतना ही। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, ऑफकोर्स लाइक होगा, कमेंट होगा, सब्सक्राइब भी होगा, नोटिफिकेशन भी दबाना होगा, शेयर भी होगा। और आपका दोस्त और होस्ट सुनिए आज के लिए इतना ही और देखते हैं लास्ट सीन को भी अच्छे से। स्लो थोड़ा एक्सलेशन करते करते डिस्टेंस को भी कवर करेंगे और दोनों तो लेट है भैया, क्या होगा उससे जल्दी। तो जैसे लग रहा है ना ड्राइवर ही सिग्नल दिखाता है जैसे ग्रीन सिग्नल, बट हम लोग तो केबिन से कुछ सिग्नल ही नहीं मिलता। पैसेंजर बोर्डिंग टाइम में 12 मिनट्स है, मतलब बहुत टाइम। आज के दोस्तों इतने ही और सेव भी करना होगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट कैसे। आज के लिए इतने ही और आपका दोस्त और होस्ट हुईन साइनिंग ऑफ। लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, एम करते हैं 50 लाइक्स से भी ज़्यादा, मतलब 60 लाइक्स, सो उससे भी अच्छा वीडियो होगा पार्ट 3 से 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।